सी आर टी के मैंने दो क्वेश्चन और लिए हैं सब पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर टू के तो इसमें आपको पता करना है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी तो देखिए कई बार आप बच्चा क्या सोचता है चलिए इसमें जो है हम डेरिवेटिव से सीखा है उसने मैक्सिमम बिना पता करने के लिए तो इसमें जरूरी नहीं है कि आप डेरिवेटिव से ही पता करें अगर मान लीजिए क्वेश्चन सिर्फ एक नंबर का आता है तो बिना उसके भी आप बता सकते हो

तो यानी कि ओवरऑल ये चीज हमेशा नेगेटिव रहेगी अब ये चीज अगर हमेशा नेगेटिव रहेगी तो यानी कि अगर कुछ भी नेगेटिव आया वो तीन में से कम कर देगा तीन को कमी करेगा हमेशा ठीक है और कमी करता चला जाएगा जितना आप इसमें एक्स को ग्रो करते जाओगे वैसे वैसे उतनी बड़ी नेगेटिव वैल्यू आएगी और उतनी बड़ी होती जाएगी तो तीन को उतना ही कम कर देगी और वो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव होता चला जाएगा अब हम क्या चाहते हैं कि ये कम से कम हो और ये कम से कम कब हो सकता है और कितना हो सकता है माइनस वन पर जीरो हो सकता है बिल्कुल सही बता रहे हैं तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ माइनस वन पर चेक करने की तो अगर मैं यहाँ पर माइनस वन रख ही देता हूँ इसी पे आपको सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और आप देखिए जब यहाँ पर माइनस वन रखेंगे तो आपका ये हिस्सा जीरो हो जाएगा मोडलस के अंदर है ये हिस्सा ये मोडलस है वन मत समझ लेना इसको ये मॉडल्स हैं दोनों तो ये आपका तीन हो जाएगा जो कि मैक्सिमम वैल्यू होगी तो आप देख सकते हो इसमें ना फंक्शन की प्रॉपर्टी से ही हमने पता कर लिया मैक्सिमम वैल्यू ये डिफ्रेंशिएशन वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ी तो अगर कंपटीशन वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं और अगर सीबीएसई के अंदर भी अगर सिर्फ एक नंबर में आता है तो डायरेक्टली आप मैक्सिमम वैल्यू भी लिख सकते हो इसमें यह सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है और मिनिमम वैल्यू की अगर बात करें तो देखिये मिनिमम वैल्यू आप बता नहीं पाओगे क्योंकि जितना छोटा करना चाहो उतना छोटा कर सकते हो तो देर विल भी सीधा सीधा क्या बोलते हैं है ऐसे? ऐसे में ऐसे बोलते हैं नो मिनिमम वैल्यू जब आप बता नहीं पाते तो इसका मतलब बोला जाता है कि नो मिनिमम वैल्यू राइट नो मिनिमम वैल्यू इसकी कोई मिनिमम वैल्यू है ही नहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती एक तरह से देखा जाए तो क्योंकि जितना छोटा करना चाहो उतना छोटा कर सकते हो अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं अब इस क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पर फंक्शन के अंदर साइन फोर एक्स दे रखा है तो साइन फोर एक्स जो होता है आ, मतलब पहले आप साइन थीटा की तरह देखिए आप सोचो लीजिए साइन थीटा की अगर बात करूँ तो साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो वन होती है और जो मिनिमम वैल्यू होती है माइनस होती है अब फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर थीटा की जगह क्या दे रखा है फोर दे रखा है अगर फोर एक्स भी दे रखा है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता अभी भी इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है 1 है और मिनिमम वैल्यू जो है वो माइनस वन है तो बिना डेरिवेटिव करे भी आप इसकी वैल्यू पता कर सकते हैं तो आप सोच सकते हो अगर साइन फाइव फोर एक्सर आपका माइनस वन रहेगा तो जो ये आपका यहाँ पर थ्री में से कम कर देगा माइनस वन तो हो जाएगा कितना टू तो अगर मैं सिर्फ मिनिमम वैल्यू की बात करता हूं अगर मैं डायरेक्टली लिखना चाहूँ तो मिनिमम वैल्यू मिनिमम आपकी वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी टू आ जाएगी अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करता हूं तो साइन फोर एक्स वन मैक्सिमम हो सकता है तो वन यानी कि आप वन में ऐड करोगे थ्री ये हो जाएगा फोर तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी फोर होगी तो अगर एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आपसे मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है तो ऐसा तो कुछ कह नहीं रहा है कि भाई डेरिवेटिव से करो और ये टेक्निक से भी आप कर सकते हो क्योंकि ये टेक्निक आपकी इलेवंथ क्लास की प्रीवियस क्लास के कॉन्सेट आप यूज कर सकते हो पर बाई चांस अगर आपसे ये भी पूछ लेता कि मिनिमम वैल्यू आई किस पर आप पूरे डोमेन पे बताने की सोचोगे आप है ना एक काम करते किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को मैं बता देता हूं देखिए माइनस वन तो माइनस वन का मतलब क्या है कि आपका साइन फोर एक्स आपका माइनस वन होना चाहिए यही तो कहने का मतलब हुआ अच्छा आप ये सोचिए आपका ये साइन फोर एक्स ये आपका माइनस कब होता है ये सोचो आप ठीक है तो देखिए पाई बाय टू पे वन होता है तो थ्री पाई बाई टू पे -1 होता है तो यहाँ पे क्या करोगे यहाँ पर लिख दोगे साइन थ्री फाइव बाई टू अब आपका एक फार्मूला भी होता है अगर आपको याद आ रहा हो देखिए फार्मूला मैं यहां बता देता हूँ ये फार्मूला है अगर बाई चांस ये हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं ये सब जो भी बता रहा हूँ मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतना नहीं है पर हाँ बाई चांस अगर आपसे पूछ लेता कि एट वट वैल्यू यू विल वेल गेट अ मैक्सिमम और मिनिमम स आपसे पूछ लेता कि एट वॉट वैल्यू यू विल गेट मिनिमम वैल्यू तो उस केस में आप ये चीज करके दिखा सकते हो तो फार्मूला क्या है मैं फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ प्लस माइनस वन की पावर एन अल्फा ये फार्मूला हुआ करता था आपको अगर याद आ रहा हो इलेवेंथ क्लास में यह पढ़ा हुआ है वो फार्मूला तो इसकी हेल्प से आप बता सकते हो मैं काम कर रहा हूँ जनरली बता रहा हूँ क्योंकि जनरली बन जाएगा आपका तो ये फोर एक्स इक्वल्स टू एन पाई प्लस आपका माइनस वन की पावर एन और अल्फा की जगह आप यहाँ पर रख देंगे थ्री पाई बाई टू और ध्यान रहे यहाँ पर जो ये एन है ये बिलोंग्स टू होता है इंटीजर और आप इस केस में अब फोर से डिवाइड कर दीजिए तो अगर आप फोर से डिवाइड कर देते हैं तो बचा हुआ पोर्शन हम यहाँ कर देते हैं तो अगर आप फोर से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा एन पा बाई फोर प्लस माइनस वन की पावर एन थ्री पाई बाय एट तो इस पर आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी इन सब पे तो इस पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी तो ये मिनिमा पॉइंट्स हो जाएंगे कई सारे मिनिमा वैल्यूज सॉरी पॉइंट नहीं मिनिमम वैल्यूज हो जाएंगी ये तो इन सभी पे आपको मिनिमम मिलते रहेंगे अगर मैक्सिमा की बात करते तो मिनिमा के लिए बताया हुआ मैंने आपको ये जो सारा बताया इतना ताकि आपको ध्यान रहे कि ये मिनिमा ये सब मिनिमा के लिए है अच्छा मैक्सिमा के केस में क्या आना चाहिए था ये sin 4x 1 की बजाय प्लस 1 होना चाहिए था तभी तो, तो आपको फोर मिला है तो बचावा यहाँ कर देते हैं तो sin 4x उस केस में आपका होना चाहिए 1 तो दिस इंप्लाइज आपका sin 4x इसको आप sin π/2 लिख सकते हैं क्योंकि 90 डिग्री पे तो मिलता है और सेम वही फॉर्मुला यूज कर रहे हैं तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा फोर एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन अब यहां पर पाई बाई टू क्योंकि अल्फा की जो वैल्यू है यहां पर पाई बाई टू है तो पाई रख दोगे तो ये जो एक्स है ये बन जाएगा एन पाई बाय फोर प्लस माइनस वन की पावर एन यहां पर चार दुनिया आठ अपॉन में आठ तो ये जो है ना ये आपका जो निकल के आया है अब ये सभी आपके मैक्सिमा पॉइंट्स दे देंगे मैक्सिमा इनफैक्ट मैक्सिमा वैल्यूज देंगे और मैक्सिमा पॉइंट अगर पता करना है तो उसमें वाई की वैल्यू पता करनी पड़ती है तो ये आपके सब हो जाएंगे मैक्सिमा इधर जो बताया है ये मैक्सिमा बताया है, इतना पोर्शन ठीक है तो ये सब आपका वैसे एक्स्ट्रा था एग्जाम में तो आपका आंसर सिर्फ इतना ही है तो आंसर को हाईलाइट कर देते हैं यहां पर और यहां पर ये वाला आंसर रहेगा इसको हाईलाइट कर दीजिए ठीक है